अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 48 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपका सिंगल या वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द एज ऑफ डिफरेंट पर्सन, कि आपने एक प्रोग्राम राइट करना है द एज ऑफ डिफरेंट पर्सन, जिसमें आपने डिफरेंट पर्सन की एज की इनपुट देनी है एंड काउंट द नंबर ऑफ पर्सन, और कितने लोग हैं, कितने बंदों की आपने एज दी उसको आपने काउंट करना है एंड इन द एज उनकी एज को आपने काउंट करना है 50 और 60 से रिलेटेड अगर आपकी एज है तो उसको आपने काउंट करना है और डिस्प्ले करना है सामने आपके पास, जो आपने इसको डिस्प्ले करना है, प्रिंट इसका डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए मैं कोड ब्लॉक को ओपन करता हूँ और कोड ब्लॉक ओपन किया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंटीजर लेता हूँ, आपकी मर्जी आप जो भी लें। मैंने एंट लिया जी एज, एज और वैल्यू साइन किसको मैंने 150 फॉर एग्जांपल। एक और एंट लेता हूँ मैं आई, एक और मैं इससे एन एंड काउंट। और इसको मैं वैल्यू देता हूं 0। ओके, मैंने एक अब यहां पे देखें डेटा टाइप लिया, नेम लिया और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स दे दिए, एलिमेंट्स की लेंथ दे दी। फिर मैंने इंटीजर लिया आई एन और डेटा टाइप काउंट और उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी 0। इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट के अंदर मैं लिखता हूं जी एंटर द नंबर, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड एंड लाइन को एंड कर दिया मैंने, और जब इसमें मैं इनपुट दूं तो वो मेरे पास एन में स्टोर हो जाए। फिर सी आउट एंटर एज एज ऑफ एन, इन नंबर ऑफ पर्सन एंटर एज ऑफ, जो नंबर आप देंगे यहां पे जो नंबर मैंने इंटीजर किया एन, ये जो एन दूंगा इसका कहेगा कि इसकी आपने एज डिस्प्ले करवानी है, पर्सन पर्सन की आपने एज डिस्प्ले करवानी है। फॉर लूप यहां पे लगाऊंगा आई इक्वल टू 0, आई 0 के इक्वल है और इज लेस देन एन प्लस प्लस। इंटीजर मैंने डिफरेंट किस्म, मैंने यहाँ पे जो है तो मैंने एक डेटा टाइप लिया, डेटा टाइप में मैंने एज नेम दिया और उसको मैंने यहाँ पे इसके एलिमेंट जो है ये 5 मैंने एलिमेंट लेंथ दे दिए, एक आई एन और ये मैंने इसके इंटीजर लिए और इसमें काउंट इंटीजर लिया और उसमें वैल्यू जो मैंने इसको वैल्यू साइन किया वो 0। सबसे पहले जब मैं इसको रन करूँगा, बिल्ड करूँगा, मेरे पास से एक मैसेज आएगा कि एंटर द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, आपने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड आप जब एंटर करोगे तो वो मेरे पास एन वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगी, इस एन में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर मेरे पास सी आउट दोबारा आएगा, कहेगा एंटर द एज ऑफ एन, जो एन जो मैं नंबर स्टोर जो मैंने वैल्यू दी है वो
कितने उसको आपने एंटर करना है परसेंट। तो आपने जब वो एंटर करोगे तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फॉर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, और यहाँ पे क्या है मेरे पास आई जीरो के इक्वल है, ये जो आई है, और आई लेस देन एन जो नंबर में है यहाँ पे अप्लाई करूंगा इससे लेस देन होगा, और फिर उसको ऐड करेगा प्लस प्लस करके उसको ऐड करता रहेगा। ओके उसके बाद मेरे पास, और कहां तक ऐड करेगा, यहां तक। ओके फिर मेरे पास यहां पे जी सी एन होगा, सी एन में एच देनी है मैंने, फिर इफ मेरे पास यहां पे कंडीशन आ जाएगी एज जो है आई, कौन सी एज है, ये वाली एज जो है मेरे पास आई, और ये लेस देन इक्वल टू 50 अगर हो, 50 ऑपरेटर यहां पे यूज हुए, एंड ऑपरेटर यूज हुए, एंड अब एंड ऑपरेटर का क्या फंक्शन होता है ये आपको पता होगा अगर आपने कुछ पढ़ा है या फिर आपने मेरे लेसन फोर से देखे हैं, तो मैंने क्योंकि एंड ऑपरेटर के ऊपर मैंने डिस्कस किया था। फिर सी आउट जो मेरे पास काउंट, सॉरी सी काउंट मेरे पास इक्वल टू काउंट प्लस वन के इक्वल है, सी आउट person are between 50 and 60। अब यहां पे देखें, यहां तक आपको समझ आ गया क्या होगा, कहते हैं इंटर एज, यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब cn मेरे पास एज है, If, अब मैंने जो ऑपरेटर यूज किया एंड ऑपरेटर यूज किया, एंड ऑपरेटर का फंक्शन क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू मेरे पास फॉल्स है, अगर मेरी एज 50 और 60 के बीच में या उससे लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन 50 या यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू 50 नहीं है, तो मेरे पास अगर नहीं है तो मेरे पास कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाएगा, और अगर मेरे पास है तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेगा पर्सन आर बिटवीन 50 या 60। अब मैं यहाँ पे से रन करता हूँ, ओके एंड सी आउट एंटर एज एंड पर्सन एंड लाइन, यस फॉर जहां पर कोई गलती आप उसे यहाँ पे क्या गलती है जी, आई इज इक्वल टू जीरो लेस देन एन, ओके तो यहाँ पे एक मिस्टेक जो हुई है वो क्या हुई है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई
और मैंने यहाँ पे इंटीजर आई दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं पहले दूंगा इंट आई। अब ये मेरे पास यहाँ पे मिस्टेक हो गया और यहाँ पे अब देखें, ओके अब कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ पर्सन, मैं 3% देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कह रहा है एंटर एज ऑफ 3%, तो 3% मैंने दिए उनकी एज लिखनी है आपने 50, 80, 44। कह रहा है फर्स्ट पर्सन आर बिटवीन 50 एंड 60, फर्स्ट पर्सन आर बिटवीन 50 एंड 60, मेरे पास इसने दे दिए। अब मैं यहां पे दोबारा करता हूं 56, हाँ यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा मैंने वो दे दिए, अब मुझे 56 बंदों का वो करना पड़ेगा, फोर फॉर एग्जाम्पल फोर है, अब फोर में से मैं 14, 20, 56 एंड 54, कह रहे 2% आर बिटवीन 50 एंड 60, देखें 54 एंड 56 ये दोनों 50 और 60 के बीच में। तो ये मेरे पास प्रोग्राम था। अब यहाँ पे जो मैंने ये चीज यूज की है एंड ऑपरेटर यूज किया, एंड ऑपरेटर का फंक्शन क्या होता है कि अगर इन दोनों वैल्यू में से कोई एक भी अगर नहीं है, मेन 50 और 60 के बीच में अगर नहीं है, दोनों में से कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू नहीं है तो ये आपस कोड जो है ये रन नहीं करेगा। हाँ अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर कोई एक वैल्यू भी अगर नहीं है तो फिर भी रन नहीं करेगा, अगर दोनों के दोनों वैल्यू आपस ट्रू होंगी तब ये जाके कोड आपस यहाँ पे रन करेगा। तो जब मैं इसको यहाँ पे जब वैल्यू में कोई भी देता हूँ तो उसको ये क्या करते हैं यहाँ से वैल्यू जो है अगर दोनों वैल्यू ट्रू है 50 और 60 के बीच में जो एज होगी तब ये जाके मेरे पास यहाँ पे ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, अदरवाइज ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी कि आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।